पादप हार्मोन्स के बारे में देखेंगे कि कौन से होते हैं पादप हार्मोन्स, उनका वर्क क्या रहता है और हार्मोन्स कहते किस हैं। सबसे पहले तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं, चलिए देखें। देखिए पादप हार्मोन्स, एग्जैक्टली हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स वो होते हैं जो पादप के किसी विशेष कोशिकाओं या अंगों से स्रावित होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, जो किसी कोशिका, विशेष कोशिका या किसी अंग से स्रावित होते हैं और पौधों की क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। पाठ का नाम ही नियंत्रण एवं समन्वय, तो वो क्या कर रहे हैं, पादप में नियंत्रण एवं समन्वय कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको पादप हार्मोन्स कहते हैं। वो और जीव जंतुओं में नहीं पाए जाएंगे, सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, पादपों में पाए जाते हैं और वहाँ उनकी क्रियाओं का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं। ओके, तो पादप में चार प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन, ठीक है, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। एब्सिसिक अम्ल को हम ए बी बोलते हैं शॉर्ट में, एब्सिसिक एसिड को ए बी ए बोल दिया। और ये एक वृद्धि रोधक हार्मोन्स होता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन्स किसे कहेंगे, जो वृद्धि को रोके उसे हम क्या बोलेंगे, वृद्धि रोधक हार्मोन्स। ओके, तो ये ऐसा हार्मोन्स होता है जो पौधों की वृद्धि को रोक देता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सभी के अलग अलग कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, तो सबसे पहले कोशिकाओं का आकार में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहायक, यानी कोशिकाएं क्या करती हैं, आकार में बढ़ने लगती हैं, आकार में बढ़ेंगी। ठीक है, और पौधों की वृद्धि करेगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, पौधों में वृद्धि। तीसरी चीज, पत्तियां जो होती हैं उन्हें गिरने से रोकता है यह हार्मोन्स, पत्तियां गिरने नहीं देता, गिरने से रोकना। ठीक है, और चौथा कार्य जो होता है इसका, वो होता है बीज रहित फल उगाना, यानी ऐसे फल उगाना जिसमें बीज रहित फल उगाना, जिसमें बीज ना हो, फल उगाना। तो ये सब कार्य जो होते हैं वो किसके होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन्स के। इस तरह से जो अलग अलग कार्य होते हैं उनको ये हार्मोन्स जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स, ये नियंत्रित करता है। यानी पौधों की कोशिका का आकार बढ़ेगा तो पादप के आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, पौधों में वृद्धि होने लगेगी, पत्तियां गिरने से रुकेंगी इस हार्मोन्स के कारण। ठीक है, और बीज रहित फल इससे होंगे। तो ये किसके कार्य हो गए हमारे, ऑक्सिन के। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे हार्मोन्स के कार्य देखेंगे, जिब्रेलिन के। ओके, सबसे पहला इसका कार्य होता है बीज शीघ्र अंकुरित होने लगते हैं, बीजों का शीघ्र अंकुरण करना। मीन्स जब छोटा सा बीज रहता है तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन स्रावित होता है उसका शीघ्रता से क्या कर देगा, अंकुरण कर देगा, जिससे कि नए पादप का निर्माण हो सके। दूसरा, बोने पौधे। बोने पौधे कौन से होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि कर देगा ये हार्मोन्स जो स्रावित होता है। तो जो ठिगने पौधे रह जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनकी बोने पौधों की लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो एक तो हो गया बीजों का शीघ्र अंकुरण, बोने पौधों की लंबाई में वृद्धि, और जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, चौड़ी, पत्तियां चौड़ी करने का कार्य भी जिब्रेलिन हार्मोन्स करता है। ओके, तो ये कार्य किसके हो गए, जिब्रेलिन के। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हार्मोन्स पे जाते हैं, क्या है, साइटोकाइनिन। मुख्य कार्य साइटोकाइनिन का है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसे हम लोग जीव जंतु होते हैं उनके लिए प्रोटीन आवश्यक होता है, उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो पादप में रिस्पॉन्सिबल रहता है वो होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, पादपों में प्रोटीन का संश्लेषण किसके माध्यम से होता है, तो किसके माध्यम से होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स के माध्यम से। ठीक है, दूसरा है कोशिका के जो तने होते हैं उनकी वृद्धि करना, कोशिका के तने की लंबाई में वृद्धि करना, तने की वृद्धि में सहायक कौन होता है, साइटोकाइनिन, यानी पौधे के जो तना होगा वो बढ़ेगा। और तीसरा कार्य जो होता है पौधों की लंबाई, यानी पौधों में जो तने हैं, तना
है ना, तो उसकी लंबाई तो बढ़ा रहा है, लेकिन जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो पत्तियों की वृद्धि को वो रोक देता है, पत्तियों की वृद्धि को रोकना, ठीक है। तो ये कार्य जो होते हैं वो किसके होते हैं, साइटोकाइनेटिक हार्मोन्स के। देखिए तने की लंबाई बढ़ा रहा है, यानी बढ़ेगा कौन, तना, पेड़, लेकिन जो पत्तियां होती हैं उनकी वृद्धि को भी ये रोक देता है, ओके। तो ये कार्य किसका हो गया, साइटोकाइनेटिक का। अब हम आते हैं लास्ट हार्मोन्स पे, जिसे हम वृद्धि रोधक हार्मोन्स भी कहते हैं, ना वृद्धि को रोक देगा। तो सबसे जो एब्सेसिक अम्ल का कार्य होता है वो होता है फल होते हैं और जो फूल होते हैं, बीज होते हैं, है ना, उनको खुलने और बंद होने की क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है। कब वो खुलें, खुलने व बंद होने की क्रिया का नियंत्रण, बंद, ठीक है, कब उन्हें खुलना है, कब उन्हें बंद होना है, होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, अपना एब्सेसिक अम्ल क्रिया का नियंत्रण, ओके। पहला चीज तो ये हो गई। दूसरा, नाम से ही समझ में आ रहा है, वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी वृद्धि को, पौधों की वृद्धि को क्या करता है, ये रोक देता है, पौधों की वृद्धि रोकना, ठीक है। तो ये जो कार्य होते हैं वो एब्सेसिक अम्ल के होते हैं, पत्तियाँ जो होती है वो झड़ने लगती हैं, ठीक है। तीसरा जो है, पत्तियाँ क्या होने लगेंगी, झड़ने लगेंगी, ठीक है। तो ये सब जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो किसके कारण होती है, एब्सेसिक अम्ल के। तो ये कार्य जो होंगे वो किसके हो जाएंगे, एब्सेसिक अम्ल के। तो ये कार्य हैं, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ पादप हार्मोन से, ये जीव जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। अब अगली क्लास में मैं जीव जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए।